सो हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। दोस्तों 2-3 दिनों से वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि थोड़ी मेरी तबीयत डाउन थी। अभी भी हाँ, तबीयत थोड़ी बहुत ख़राब तो है, बट कोई नहीं। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जिसके बारे में चर्चा करना आपसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और दोस्तों बात यह है कि कई लोगों को आपको ये जानकारी दी जा रही है कि IBPS आप एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराएगा, IBPS से कोई दूसरी एजेंसी एग्ज़ाम लेने आएगी। तो ये सारी बातों के बारे में मैं आपको आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है, पूरी वीडियो लास्ट तक देखनी ताकि आपको सारे डाउट क्लियर हो सकें। और अगर आपको जानकारी पसंद आती है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पर क्लिक करना है। उससे पहले देखिए, करंट अफेयर मैंने आपको बता रखा है, JEE AEN जो इंजीनियर के एग्जाम है, ठीक है, उन सभी में करंट अफेयर इंग्लिश में आने वाले। तो उन करंट अफेयर की इंग्लिश की तैयारी मैं ऑलरेडी करा रहा हूँ, ठीक है। मैं टाइम टू टाइम पे वीडियो अपलोड करता हूँ। अब काफ़ी बच्चे कहेंगे कि सर आपने PDF अपलोड नहीं करी, तो PDF अपलोड करने का कारण क्या है, जो लास्ट मैंने मैं करंट अफेयर की वीडियो बनाई थी, मैंने आपसे बस एक रिक्वेस्ट की थी कि उस पर 100 लाइक्स करवा दिए। जैसे ही उस पर 100 लाइक हो जाएंगे, PDF तैयार है, मैं टेलीग्राम चैनल पर PDF अपलोड कर दूंगा। लिंक मैंने ऑलरेडी दे दिया था, बट आप लोग कर नहीं रहे हो, तो रिक्वेस्ट है अगेन 100 लाइक उस वीडियो पे करा दो। और मैं जैसे ही 100 लाइक हो जाएंगे तो आपको PDF अपलोड करा दूंगा। इसके अलावा अगर कोई और राजस्थान GK की वीडियो देखना चाहता है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, आपको राजस्थान GK मिल जाएगी। टेक्निकल अगर आप पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, हिंदी में भी पढ़ा रहा हूँ, अगर आप वो पढ़ना चाहते हैं तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। देखिए सबसे पहली चीज़ देखिए कि रिटर्न और ऑब्जेक्टिव एग्जाम IB, एक आप अभी फोटो देखिए, इस फोटो में क्या दिखाया गया है कि IBPS अब एग्जाम कंडक्ट किसके कराएगा, सिर्फ मंत्रालय कैडर के एग्जाम कंडक्ट कराएगा। इसके अलावा जो स्टेनो या टाइपिंग टेस्ट है वो IBPS कंडक्ट नहीं कराता है। तो ये कोई नई बात नहीं है दोस्तों, पहले भी यही होता था, IBPS सिर्फ रिटर्न और ऑब्जेक्टिव एग्जाम कंडक्ट कराता था, ठीक है। तो और जो भी ये है ना टाइपिंग टेस्ट होता था ना, ये टाइपिंग टेस्ट अधीनस्थ मंत्रालय या RSMSSB या फिर RPSC जो भी है वो कंडक्ट कराते थे हमेशा से, पहले भी ऐसा होता था। क्योंकि IBPS के पास सिर्फ ये व्यवस्था है कि वो रिटर्न और ऑब्जेक्टिव टेस्ट करा सके, ठीक है, एग्जाम स्टेनो और टाइपिंग के लिए उसके पास कोई व्यवस्था नहीं है। तो पहले क्या होता था, मान लीजिए उसने कोई भी एग्जाम कंडक्ट कराया, उसके बाद वो अपना उस एग्जाम के रिगार्डिंग स्कोर कार्ड दे देता था पर्टिकुलर बोर्ड को या पर्टिकुलर ऑफिस को, और उसके बाद वो आगे की कार्रवाई करते थे। पहले भी ऐसा होता था, अब भी ऐसा होगा, तो आपको कन्फ्यूज होने की नीड बिल्कुल भी नहीं है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखें। अब देखिए काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि एग्जाम डेट क्या है, ठीक है, एग्जाम डेट को लेकर कई सारे कन्फ्यूजन आप देखे होंगे, कई सारे एग्जाम आने वाले हैं, ठीक है। अभी को देखिए बहुत सारे एग्जाम हो रहे हैं, ये होगा और वो होगा। और सबसे बड़ी बात तो देखिए कमेंट में आप देख रहे होंगे, सर थर्ड वेव है, भीड़ इकट्ठा करने के नहीं कह रहे, तो एग्जाम होगा भी या नहीं होगा। तो देखिए सारी चीज़ें हैं, लेकिन अपने को क्या लेके चलना है कि एग्ज़ाम होना चाहिए, जितना जल्दी एग्जाम उतना ज़्यादा बढ़िया है। क्योंकि कई जो बेरोजगार युवा हैं वो इस एग्जाम की वजह से अपने आस लगाए हुए बैठे हैं, ठीक है, फटाफट नौकरी लगे, शादी ब्याह हुए, तो वो चीज़ है। अब आप लोगों को देखिए क्या करना है दोस्तों, एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आपको तैयारी रखनी है अपनी पूरी। अब मैं देखिए फाइनल बता रहा हूँ आपको, एग्जाम मैक्स टू मैक्स कहाँ तक जाने वाला है, अगस्त लास्ट वीक। फिर करेंगे जो LDC है, स्टेनोग्राफर है, अकाउंटेंट है, AO है, ये एग्जाम की बात करें तो आपका सितंबर में, आप लोगों का एग्जाम सितंबर में। अब थर्ड वेव की बात करें, देखिए हाल फिलहाल तक थर्ड वेव नहीं है इंडिया में। अब अगर थर्ड वेव आ गई तो ये सब कुछ तो क्या है, ये धरा का धरा रह जाएगा, ठीक है। अब जब तक थर्ड वेव नहीं आ रही और अगर सब कुछ सही रहा तो ये होगा। देखिए बीमारी का कोई भरोसा नहीं है, लोग कह रहे थे जुलाई में आने वाली है, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है, ऐसा खास हुआ नहीं है। अगर होगा तो भगवान से यही दुआ है कि ना हो, लेकिन हो जाता है तो फिर आप और मैं कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन अभी आपको अपनी तैयारी स्ट्रांग रखनी है, करंट अफेयर से सबसे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, ठीक है। आप देखिए अगर ये एग्जाम जो आप कह रहे थे ना कि IBPS एग्जाम नहीं कराएगा, कोई और एजेंसी कराएगी, अगर कोई और एजेंसी कराती ना तो आपके लिए पेपर का पूरा पैटर्न बदल जाता, ठीक है, तो कितनी दिक्कत हो सकती थी। तो यानी कि आप अगर IBPS पेपर करा रहे हैं तो आपके लिए पैटर्न कुछ भी नहीं बदला है, पैटर्न सेम का सेम है, इसीलिए आप लोग निश्चिंत रहिए और एग्ज़ाम की तैयारी मैं बता रहा हूँ उसी हिसाब से करते रहिए। देखिए अगस्त लास्ट में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा और आपको अपनी तैयारी 101% रखनी है, ठीक है। इसके अलावा आपके कोई भी डाउट होते हैं कमेंट जरूर करें, मैं आपके कमेंट हर एक कमेंट का आंसर करता हूँ। और जो भी टेक्निकल वाले दोस्त हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि करंट अफेयर की मैंने इंग्लिश में वीडियो बना रहा हूँ, इस करंट अफेयर को अगर आपने पढ़ लिया तो इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस करंट अफेयर को पढ़ें। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।